और अभी आपको बताएं कि एहतसाब अदालत ने एहसन इकबाल के मजीद जिस्मानी रिमांड की नैब की इस्तदा मुस्तरद कर दी है और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा को 18 रोजा रिमांड पर अडेला जेल भेजने का हुक्म दे दिया है। साबिक वजीर दाखिला को जेल में अहले खाना से मुलाकात, इलाज और घर के खाने की इजाजत होगी। एहतसाब अदालत में नारोवाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स स्कैंडल की समाअत हुई। नैब ने एहसन इकबाल को रिमांड मुकम्मल होने पर एहतसाब अदालत में पेश किया और उनके मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की है। अदालत ने नैब से इस्तफसार किया कि 28 रोज का जिस्मानी रिमांड हो गया, क्या 90 रोज रिमांड लेंगे। नैब ने कहा कि एहसन इकबाल को 23 दिसंबर को गिरफ्तार किया, लेकिन उनसे तहकीकात जारी है। नैब का कहना था कि मुतल्लिका रिकॉर्ड कब्जे में लिया है और गवाहों के बयानात कलमबंद किए हैं। कुछ बैंक रिकॉर्ड मिल चुका है, जबकि बास बैंक से रिकॉर्ड मिलना है। एहतसाब अदालत ने एहसन इकबाल के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी और एहसन इकबाल को जुडिशियल रिमांड पर अडियाला जेल भेजने का हुक्म दे दिया। एहतसाब अदालत ने एहसन इकबाल के वकील की सजा मंजूर करते हुए एहसन इकबाल को जेल में अहले खाना से मुलाकात, इलाज और घर के खाने की इजाजत दे दी है।